कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि आप सभी लोग क्लिकबेट हो चुके हो। वेल, भले हम ये वीडियो में वन पीस नहीं ढूंढेंगे, लेकिन हाँ हम ट्रेजर जरूर ढूंढने वाले हैं। और गाइस, आज हम खेलने वाले हैं मेरा वन ऑफ दी फेवरेट गेम असैसिन्स क्रीड और ब्लैक फ्लैग। और ये है हमारा कैरेक्टर एडवर्ड केनवे, जो कि बहुत ज्यादा बैडएस है। और ये एक पायरेट एंड प्लस असैसिन है। और यार तुम व्यू देखो कितना बढ़िया है, नहीं? एंड मेरे पास खुद की एक शिप भी है बाय द नेम जैकडॉ। रुको, मैं वो तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। तो फिलहाल तो नीचे उतर दे, मैं बहुत ऊपर आ गया था इंट्रो के लिए। और यहाँ पर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओए इंसान, भाई जरा अच्छे से काम करियो। मैं उस दिन पार्कोर कर रहा था, वो लकड़ी का फट्टा सरक गया, नीचे गिर गया मैं। पता है तेरे को कितनी जोर से लगा था मेरे को? वेल, तो अपन नीचे तो उतर चुके हैं। और मैं तुम्हें अपना हिडन ब्लेड दिखाऊं? देख रहे हो तुम मेरे स्किल्स? किसी को भी नहीं पता चला, मैंने उनको मार दिया। और ये बंदे फिशिंग कर रहे हैं शायद, कितना बढ़िया दिख रहा है। अरे भाई डर क्यों रहा है तू? मैं थोड़े मारूंगा तुझे, डर मत। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरा शिप देखने के लिए? तो ये रहा मेरा शिप जैकडॉ। और आते ही देखो कितने खुश हो जाते सारे के सारे बंदे। एंड ट्रेजर हंटिंग पे जाने से पहले पायरेट वाले कपड़े भी पहन लेते हैं, तो थोड़ा सा फील आएगा। अब लग रहा है ना पूरा कैप्टन जैक स्पैरो। और ये है मेरे शिप की क्वार्टर मास्टर बॉनी। लेकिन मुझे इसके पहले वाला बंदा पसंद था, वो सही था, उसकी आवाज में ना दम महसूस होता था। और जब ये चिल्लाती है तो इधर तक तो छोड़ो, ये बंदे तक को आवाज नहीं आती होगी। तो गाइस मेरे पास कुछ ट्रेजर मैप्स है और इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस समय में गूगल मैप्स नहीं था। एंड सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि भले ही हमें ये मैप पे कोऑर्डिनेट्स मिले, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स है एक पूरे आइलैंड के। एंड वो आइलैंड कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एंड उस आइलैंड पर ये जगह कहीं पर भी हो सकती है। तो हमें वो पूरा आइलैंड छान मारना पड़ेगा और तभी हमें ये जगह मिलेगी और तभी हमें ट्रेजर मिलेगा। तो फिलहाल आज हम ये ट्रेजर मैप का ट्रेजर ढूंढने वाले। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए ये मुझे मैप पर ढूंढना पड़ेगा। और मिल चुका है, ये वाला आइलैंड है इस कोऑर्डिनेट पर, जिसका की नाम है ग्रेट इनागुआ। एंड मैं हूँ फिलहाल हवाना में। एंड गाइस यही से हमारी एडवेंचर की शुरुआत होती है। और गाइस हम रात में निकल रहे हैं और कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ओ भाई यहाँ पे तो हवाएं चल रही है, तो मुझे इसके ऑपोजिट साइड में स्टीयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा शिप डूब जाएगा। और ये कुछ छोटे छोटे नेवी शिप्स है जो कि मेरे पर हमला कर रहे हैं। भाई मेरे शिप के आगे मच्छर हो भाई, तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारी लेवल। मैनो वार डुबा चुका हूँ मैं, लेवल 50 प्लस वाला, समझ रहे हो तुम लोग। और गाइस सुबह हो चुके और कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, काश यार रियल लाइफ में देखने को मिले ऐसी चीज कभी। देखो मोर्टार भी लगी है अपने शिप में, क्लैश ऑफ क्लैंस वाली जैसी ही दिख रही है तो। और यार सामने से एक लेवल 4 का शिप आ रहा है, जिसके पास की वुड एंड क्लोथ है और चाहिए मुझे वो। एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज, वो ये शिप डूबी नहीं, हम इसे प्लंडर कर सकते हैं। तो गाइस प्लंडर का मतलब होता है किसी शिप पर हमला करना एंड फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करके उनके सारे के सारे रिसोर्सेज बूज एंड सब कुछ अपन लूट लेंगे एंड बाद में शिप को डुबा देंगे। और पायरेट्स यही तो करते हैं। तो मैं पहले कुछ बंदे दूर से मारने की ट्राई करता हूँ। ओके अब बाहरी आ चुके हैं सीधा शिप पर उतर के मारने की। हग दिया। ओए तू जिंदा कैसे अभी भी? एंड ये लो जीत गए अपन। One eternity later. और गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और सामने है ग्रेट इनागुआ आइलैंड, जो कि मेरा हाइड आउट भी है। ओके तो यहाँ पर मैंने मैप खोल लिया है और अभी अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये चीज ढूंढने के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है वो नॉन एक्सेसिबल है, क्योंकि वहां पर पत्थर एंड जंगल वगैरह है। तो आई गेस हमें बस इसी एरिया में ढूंढना है। एंड मैप में देखो तो यहाँ पर ये जो पीछे पत्थर दिख रहे हैं, मतलब ये एक माउंटेन है। एंड ये जो दिख रहा है वो शायद कोई ब्रिज हो सकता है या फिर कोई एंट्रेंस वगैरह किसी गुफा की, मंदिर की या फिर फोर्ट की या फिर कोई माइन भी हो सकती है ये। एंड ये चीज देख के तो इतना समझ रहा है कि ये समंदर का है, मतलब कि ये जगह किसी सी शोर पर है। हमें ये आइलैंड पर जितना भी एक्सेसिबल एरिया है उसमें जितने भी जगह पानी से कनेक्टेड है वो सभी पर ढूंढना है। सॉरी ब्रो जरा जल्दी में हूँ। ओके तो यहाँ पे वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे टूटे हुए पेड़ तो है एंड ये जगह सी शोर से भी कनेक्टेड है, यहाँ पर पहाड़ भी है पीछे, लेकिन यहाँ पर वो ब्रिज जैसी कुछ या फिर एंट्रेंस वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जगह तो नहीं है, उस साइड चेक करना पड़ेगा। ये देखो नशेड़ी साला।
एंड ये साइड भी कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड ये देखो बारिश भी शुरू हो गई, इससे ज्यादा एपिक कुछ हो सकता है? तो अभी मुझे पूरे आइलैंड के बैक साइड में जाना पड़ेगा, और जाने के लिए कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं, तो मैं पैदल ही भाग के जाना पड़ेगा पूरे जंगल से। असैसिन कम टार्जन वाली फील ज्यादा आ रही मुझे। Many hours later. तो गाइस फाइनली अपन आइलैंड के बैक साइड पर पहुंच चुके हैं। एंड गाइस ये जगह ट्रेजर मैप से ज्यादा कुछ मेल नहीं खा रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ एंट्रेंस या फिर ब्रिज चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक जहाज टूटा पड़ा है। एंड गाइस बारिश बंद हो चुकी है, एंड मुझे उस साइड पर जाके देखना पड़ेगा क्योंकि इस साइड पे कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर ये टूटा हुआ फोर्ट है या फिर टेम्पल पता नहीं, लेकिन शायद से मुझे लग रहा है कि यही पे अपना ट्रेजर हो सकता है। तो गाइस मैं यहाँ वहां दौड़ रहा था एंड लटक रहा था, एंड तभी मेरे दिमाग में ये बत्ती जली। इस मैप में सारी चीजें बहुत छोटी दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअली में ये हो सकता है कि ये पूरा आइलैंड का एक पूरा बड़ा पार्ट हो, और इसीलिए तो यहाँ पर पेड़ इतने छोटे से दिख रहे हैं। एंड तभी मुझे ये समझा कि मैं जो इसको टूटा हुआ एंट्रेंस बोल रहा था, ये वही चीज है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा समंदर में जाके इन सारे पत्थरों को इस मैप के ड्रॉइंग से मिलाकर देखा, तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहे थे। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड का बीच है वही पे अपना ट्रेजर छिपा हुआ है। कितना स्मार्ट हूं मैं, नहीं? और देखो ये टूटा हुआ पेड़ है जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंड ये मुड़ा हुआ पेड़ जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंड इन दोनों के बीच में अपना ट्रेजर है। यहाँ पर अपने को खोदने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यही पे अपना ट्रेजर। और भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ओ कितनी बड़ी चेस्ट है भाई। मिल चुके 4000 रियाल, जो कि इतने भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने ट्रेजर ढूंढ लिया। तो यस गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। कमेंट करके बताओ आपका आज की वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना। एंड आपको आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी जरूर से दे देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Crew, it's time to ship.